नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो रूबरू हुए हैं बड़ी खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश में बस के दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार प्राप्त हुआ है, जिसके कारण कई यात्री घायल हो चुके हैं। क्या खबर रहेगी, पूरी जानकारी आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो कंडा घाट के पास उत्तराखंड डिपो की बस पलटी, 8 से 10 यात्री घायल। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के अंतर्गत आते गंडाघाट के पास उत्तराखंड डिपो के एक बस सड़क में पलट गई। इस हादसे में 8 से 10 यात्री घायल हो गए। यह 52 सीटर बस सवारियों से भरी हुई थी। बताया जा रहा है कि यह बस शिमला से हरिद्वार जा रही थी। जैसे ही बस गंडाघाट के पास बद्दी टनल के पास पहुंची, तो अचानक ड्राइवर ने बस पर से नियंत्रण खो दिया और बस सड़क में ही पलट गई। बस के पलटते ही मौके पर चीखों पुकार मच गई। वहीं हादसे का पता चलते ही स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। उधर हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन व पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गई तथा स्थानीय लोगों की सहायता से घायलों को दुर्घटनाग्रस्त बस से निकालकर गंडाघाट अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं बता दें कि नेशनल हाईवे 5 पर दुर्घटना के लगातार मामले सामने आ रहे हैं और पिछले 9 महीने में 140 दुर्घटनाओं के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 14 लोगों की मौत और 250 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जब परवाणु से लेकर कैथली घाट के बीच वाहन दुर्घटना का मामला सामने न आया हो। अधिकतर दुर्घटनाएँ तेज रफ्तारी या फिर लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हो रही हैं। तो ये रही बड़ी खबर कि जिला सोलन के अंतर्गत कंडा घाट के पास उत्तराखंड डिपो की एक बस सड़क में पलट गई। इस हादसे में 8 से 10 यात्री घायल हुए हैं। तो ये रही बड़ी खबर। ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।